हिंगनघाट शहर व साथ ही तहसील में बहुत दिनों के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। कुछ दिनों तक शहर के साथ तहसील में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। आज फिर हिंगनघाट में कोरोना ने दस्तक दी। शहर के साथ तहसील के पिछले कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमित मामले नहीं थे, लेकिन आज शहर के माता मंदिर वार्ड प्रभा क्रमांक 3 में कोरोना रुग्ण की पुष्टि हुई है। यह मरीज शहर के सगुना कंपनी में कार्यरत था। यह 38 वर्षीय विवाहित युवक है। पिछले 27 तारीख को उपजिला अस्पताल में उपचार को गया था, तब उसको अपने प्रकृति में सुधार नहीं दिखा। तब से 3 अगस्त को यह हिंगनघाट के एक निजी डॉक्टर कटारिया के क्लिनिक में इलाज को गया। उसे टाइफाइड के लक्षण बताए गए थे, लेकिन प्रकृति स्वास्थ्य को देखते हुए खुद ही सेवाग्राम के कस्तूरबा रुग्णालय में इलाज के लिए 5 तारीख को गया था। उसकी कोरोना टेस्ट की गई तो उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव 7 अगस्त को आई है। उसकी पत्नी को शहर के उपजिला रुग्णालय के विलगीकरण कक्ष में भेजा गया। स्थानीय प्रशासन की ओर से उपाय योजना की जा रही है। फिलहाल कैटरिया हॉस्पिटल कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। इस प्रकार की जानकारी उपजिला रुग्णालय के अधीक्षक डॉक्टर चांचल करने दी है। प्रभाग के संबंधित इलाकों को सील किया गया है। आरोग्य विभाग, नगर परिषद हिंगनघाट, पुलिस प्रशासन, महसूल विभाग सभी उपाय योजना में जुटी है। अनेक दिवसापासून हिंगनघाट तालुक्यात कोरोना पेशंट मिळाला नाही, त्यामुळे आज 8 तारखेला एक कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट काल जो आहे संध्याकाळी पॉझिटिव्ह आला, त्यामुळे हिंगनघाट शहराच्या चिंतेत आता वाढ झालेली आहे। तेव्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना कंटेनमेंट झोन आणखी सगळ्या गोष्टीच्या उपाययोजना सुरू आहे। महसूल विभाग आणि नगरपालिका सर्वांच्या संयुक्त यांनी आपण इथे सर्वे कार्यक्रम घरोघरी तपासणी आणि तो रुग्ण कटारिया हॉस्पिटलला गेल्यामुळे तिथल्याही लोकांच्या तपासण्या सारख्या उपाययोजना आपण सुरू केलेल्या आहे आणि त्यांच्या घरच्या लोकांच्या सुद्धा तपासणीसाठी आपण त्यांना उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये नक्की केलेल्या आहे आणि इतरही उपाययोजना करून आपण खबरदारी घेऊन आपल्या हिंगनघाटमध्ये रुग्ण वाढणार नाही याची दक्षता आपण घेतो। माझ्या प्रभाग क्रमांक 2 माता मंदिर वार्डमध्ये आज एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आल्याचे कळते। हा रुग्ण गेल्या 4-5 दिवसापासून आजारी असल्या होता आणि हा हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिटसुद्धा होता। आज त्याचा सेवाग्रामला त्याची रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आली आहे, करता आता प्रभागामध्ये सगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना त्याचा प्रादुर्भाव होऊ नये कोरोनाचा याकरता ज्या उपाययोजना आहे त्या नगर परिषदमार्फत पोलीस शासनामार्फत सुरू आहे आणि ते पूर्ण खबरदारी घ्यायची नागरिकांना सुद्धा आम्ही आवाहन केलेले आहे, विनंती केलेली आहे। प्रशासन पण खबरदारी पूर्णपणे घेत आहे। इन बीच न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोडकर की रिपोर्ट।